कालका में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह किया गया आयोजित। लोकसभा चुनाव में भाजपा 10 की 10 सीटें हारने वाली है। हालात यह है कि हलके में नशे का कारोबार इतना फल फूल चुका है कि कई घरों के चिराग इसकी वजह से मिट चुके हैं। विकास कार्य ठप पड़े हैं। महंगाई बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं। उक्त शब्द पूर्व मेयर एवं प्रदेश महासचिव मनवीर कौर गिल ने कालका में आयोजित मिलन समारोह के दौरान कहे। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। मनवीर ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कलम से 7A को हटाने का काम किया जाएगा। बताया कि मिलन समारोह का उद्देश्य सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करना था। कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उदास होने की जरूरत नहीं है, सभी मिलकर पहले की तरह कार्य करेंगे। मनवीर ने कहा कि आज कालका हलके की सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं है, जनता दोनों तरफ से पिस रही है। उन्होंने कहा कि वह हलके की प्रत्येक समस्या को उठा ऊपर तक लेकर जाने का काम करेंगी। एक सवाल के जवाब में मनवीर ने कहा कि नेता की तैयारी हर समय रहती है, मौका मिलने की बात होती है। कहा कि इससे पहले भी हम तैयार थे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक हमने मजबूत किया हुआ था। वहीं इससे पहले मदनलाल कश्यप, मास्टर किशन, स्वामी एमनाधिमान, आरके वैद ने भी बैठक को संबोधित किया। मिलन समारोह को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखाई पड़ा। कार्यक्रम का मंच संचालन ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश बहादुर ने किया। इस अवसर पर कालका व्यापार मंडल प्रधान अनिल सूद, पूर्व पार्षद मास्टर किशन, सतीश भट्ट, महेंद्र वर्मा, नवीन प्रभाकर, देवेंद्र जैन, कुलविंदर शंटी, आर के वैद, एमना धीमान, सितार चंद वाल्मीकि, मदन लाल कश्यप, इंदरवीर सिंह, अनिल भल्ला, प्रीतम आनंद सहित अन्य मौजूद रहे। मेरी बहनें, माताएं, मेरे भाई और मेरे पिता समान बुजुर्ग सबका मैं खैर से यहाँ धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज के प्रोग्राम का क्या एजेंडा है? एजेंडा है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना। मैं पिछले 22 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर रही हूँ। हर बूथ पर और हर जिले लेवल पर मैंने काम किया। आज जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 3600 किलोमीटर के पैदल यात्रा निकाली, जब राहुल जी ने इस यात्रा को निकालने का आह्वान किया तो बीजेपी के नेताओं ने उसका हाथ हाथ फैलाया कि भारत को सत्रों से नाता नहीं जा सकता। राहुल गांधी जी केरल से कश्यप कन्याकुमारी तक, सॉरी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की और जहां जहां उन्होंने यात्रा की हर जगह हजूम बढ़ता। आप सबने देखा केरल से निकलकर कश्मीर तक पहुंचे तो लाखों की तादाद में उनके साथ जनता हुआ और उसके बाद क्या नतीजे निकले? कर्नाटक में चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीती और आने वाले चुनाव भी 5 राज्य में होने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि हमें पूरा विश्वास है कि इन राज्य में भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जीत हासिल करेगी। मैं अपनी नेता बहन भारी शैलजा जी के आह्वान से कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी हर व्यक्ति के दर्द को समझती है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में हो जाती है। और मैं अगर अपने काल का विधानसभा की बात करूं उसमें मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि बहुत से हमारे बहन भाइयों का यह भाव था कि हमें बुलाया नहीं जाता जब भी कांग्रेस पार्टी का चुनाव हो, इसलिए हम सबने साथियों के यह आह्वान किया। और अगर हम बीजेपी सरकार पर दोबारा से आए और बोले कि पिछले 9 वर्षों में उन्होंने क्या किया, क्या क्या वादे करते हैं सरकार, 15-15 लाख हर एक व्यक्ति के अकाउंट में आएंगे, ये वो कहेंगे महिलाओं को सम्मान होगा, दो करोड़ नौकरी दी जाएगी, लेकिन यही आप आज
आज हमारी सबसे मजबूत महिलाएं, हमारे रेसलर्स, किस तरह से बीजेपी सरकार ने हमारी महिलाओं का अपमान किया, आम महिलाओं का सम्मान ये क्या करेंगे, हमारे पंचों सरपंचों को किस तरह से इन्होंने पीटा है, ये आप सब जानते हैं। ये किसी का सम्मान नहीं है, ये सिर्फ अपमान का अंग है। और अगर मैं कालका विधानसभा की डेवलपमेंट की बात करूं, साथियों, बड़े दुखी मन से मैं कहना चाहती हूं कि को ना सड़क, ना नाली, ना गली, ना रोजगार, कोई भी विकास का कार्य यहां नहीं है। आज के इस मिलन समारोह का मतलब तो यही था कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना, क्योंकि बहुत दिनों से शिकायत आ रही कि बहुत से पुराने कांग्रेसियों को नहीं बुलाया जाता था या किसी भी कारण से वो नहीं पहुंच पाते थे। तो आज मैंने जिम्मेवारी ली है कि कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता आज के बाद मायूस नहीं होगा। हम कालका में उसी तरह से पहले की तरह काम करेंगे और सभी कांग्रेसियों को साथ लेकर चलेंगे। आज मैडम शैलजा जी का अंबाला में प्रोग्राम है, वो भी 12 बजे से स्टार्टिंग की। वैसे मैडम शैलजा जी को मैंने मैसेज डाल दिया था, क्योंकि हमारा अलग से अचानक से प्रोग्राम बना, इसलिए काफी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हमारा। मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मेरा कोई हफ्ते का प्रोग्राम नहीं है, मैं तो 24 घंटे आप लोगों के बीच में रहूंगी, कालका विधानसभा के बीच में रहूंगी। ये हो सकता है कि कभी मैं रायपुर वाली हूँ, कभी मैं मोरनी में हूँ, लेकिन अब ये तय है कि मैं 24 घंटे कालका हलके के बीच में जनता के बीच में रहने वाली हूँ, जनता के बीच में आकर समस्याएं सुनने वाली हूँ। और मैं दावे से कहती हूँ, अगर आप 5 समस्याओं को सुनोगे तो आप 3 समस्याओं को मौके पर हल करा सकते हो, आप में इतनी संयमता होनी चाहिए। विपक्ष नाम की यहाँ कोई चीज नहीं है, विपक्ष वही तो मैंने बताया कि विपक्ष पर वाले कहते हैं कि हमारी विधायक नहीं बनी, हमारे तब का हम नहीं होते, और जो पक्ष वाले हैं, जो विधानसभा में पहुंचे हैं, वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है। कालका विधानसभा का हलका तो सैंडविच बन गया, दोनों तरफ से जनता पूरी तरह से पिस चुकी है, कोई भी इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। 4 कांग्रेस के हमने ऑफिस खोल के रखे थे, कालका में कांग्रेस पार्टी को पूरे बूथ लेवल पर मजबूत किया हुआ था। तो ऐसा नहीं होता कि आपकी तैयारी नहीं है, तैयारी तो लीडर्स की हमेशा होती है, और मौका मिलने के बाद ये मैं मना नहीं कर सकती, क्योंकि ऊपर के इशारे नहीं होते। यानी कि कांग्रेस पार्टी में जो काम करता है तो लीडर्स उनका मान सम्मान देते हैं, और मेरी नेता बहन कुमारी शैलजा जी को इसको भी ठीक करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी। जो एक छोटा गरीब इंसान है जिसके पास 2 बिस्वे ही जगह है, उसने 2 बिस्वे बेचकर अपनी बेटी की शादी कर ली है, ये 7A की वजह से वो बिल्कुल खत्म है, वो उसकी बेटी भी कुमारी घर में बैठी है, उसका काम भी नहीं हो रहा। तो हमारा तो यही है कि अगर हमारी सरकार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है और हमारी बहन शैलजा जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हम पहली कलम से ये काम करेंगे, और शैलजा जी खुद इस धरने पर आकर बैठते हैं।